हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है कुमार और आज हम देखने वाले टाटा नेक्सॉन रेड डार्क एडिशन के बारे में। अगर हम इस वेरिएंट की बात करें तो इसमें आपको 1.2 लीटर का इंजन और 1.5 लीटर का डीजल इंजन दोनों ऑफर किए जाते हैं और दोनों के स्पेसिफिकेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो रेड डार्क एडिशन है ये आपको सिर्फ टॉप ट्रिम में अवेलेबल करवाया जाता है। अगर यहाँ पे हम हेडलाइट की बात करें तो यहाँ पे आपको DRL मिल जाती है, वो भी ड्यूअल फंक्शन के साथ, जो कि आपकी DRL का भी वर्क करती है और टर्न इंडिकेटर का भी वर्क करती है। यहाँ पे आपको हेलोजन हेडलाइट का सेटअप दिया जाता है विद प्रोजेक्टर के साथ। ये है ओवरऑल रेड डार्क एडिशन की फ्रंट लुक। और यहाँ पे अगर हम टाटा का लोगो देखें तो इसमें भी आपको पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट की हुई मिलती है, जो कि सिर्फ आपको रेड डार्क एडिशन में ही हाईलाइट की जाती है। रेड डार्क एडिशन में ही नीचे आपको यहाँ पे ये रेड कलर के एक्सेंट्स देखने को मिलते हैं और जो बाकी के एक्सेंट्स है वो पियानो ब्लैक फिनिश में है, जो कि आपको नॉर्मल डार्क एडिशन में भी अवेलेबल करवाए गए। अगर हम डिफरेंस की बात करें यहाँ पे फॉग लाइट की, तो यहाँ पे आपको नॉर्मल डार्क एडिशन में यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है, यहाँ पे आपको रेड फिनिश अवेलेबल करवाई गई और जो फॉग लैंप है वो आपको कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ मिल जाते हैं। ओवरऑल और ये थी टाटा नेक्सॉन डार्क की फ्रंट लुक। और अगर हम साइड लुक की बात करें तो साइड से आप देख सकते हैं, साइड से भी गाड़ी की डिज़ाइन बहुत ही स्पोर्टी दिखती है। और रेड डार्क एडिशन की ये खास बात है कि इसमें आपको कहीं भी क्रोम ट्रीटमेंट का यूज़ किया हुआ नहीं मिलेगा। और अगर हम इसकी टायर साइज़ की बात करें तो इसमें आपको 2/15/60 R16 साइज़ के एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं विद गन मेटल फिनिश के साथ। यहाँ पे आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स भी ऑफर की गए और एलॉय व्हील का डिज़ाइन बहुत ही सोवर दिखता है। यहाँ पे आपको डार्क एडिशन का बैज मिल जाता है फेंडर पे, जैसे कि आप देख सकते हैं हाईलाइटेड किया गया रेड से कि डार्क एडिशन रेड है। यहाँ पे आपको LED टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं ORVMs पे, ये आपको हर वेरिएंट में अवेलेबल करवाए गए। ये आप देख सकते हो, ओवरऑल विंडो लाइन देख सकते हैं आप, यहाँ पे कहीं भी क्रोम का यूज़ नहीं किया गया क्योंकि डार्क एडिशन है। यहाँ पे रियर में आपको सेम प्रोफाइल मिल जाती है टायर की 2/15/16 R16। और यहाँ पे अगर हम फ्यूल टैंक कैपेसिटी बात करें तो यहाँ पे आपको 44 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी अवेलेबल करवाई जाती है। बोथ पेट्रोल और डीजल दोनों में आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो आपको इक्वल मिलेगी। और अगर हम रियर से बात करें तो रियर साइड के लोग आप देख सकते हैं टाटा नेक्सॉन रेड डार्क एडिशन की, यहाँ से भी गाड़ी बहुत ही अच्छी दिखाई देती है स्टाइल वाइज। और अगर हम रियर में बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं रियर में भी टाटा का जो लोगो है इसको भी आपको ब्लैक फिनिश में प्रोवाइड किया करवाया गया। सिर्फ जो नेक्सॉन की ब्रांडिंग है वो यहाँ पे आपको सिल्वर में या फिर क्रोम ट्रीटमेंट में अवेलेबल करवाई गई है। यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल जाता है बोर्ड डोर पे, यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है विथ 2 पार्किंग सेंसर्स के साथ। और अगर हम दूसरे डिफरेंस की यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको नॉर्मल एडिशन में पियानो फिनिश अवेलेबल करवाई जाती है, यहाँ पे आपको रेड अवेलेबल करवाई गई है। यहाँ पे आप टेल लाइट्स देख सकते हैं, यहाँ पे आपको LED टेल लाइट्स मिल जाती है टाटा के द्वारा नेक्सॉन ने प्रोवाइड की हुई। और यहाँ पे आपको रियर में वाइपर, डिफॉगर, वॉशर और हाई माउंट स्टॉप लैंप और शार्क पिन एंटीना भी प्रोवाइड करवाया जाता है, जैसे कि आपको मैंने बताया ये टॉप वेरियंट है। यहाँ पे आपको 2 लाइन्स के एब्रम भी मिल जाते हैं, जो कि ये दर्शाता है कि ये गाड़ी अपने इंडिया की है। ये ओवरऑल साइड से लुक टाटा नेक्सॉन रेड डार्क एडिशन की आप देख सकते हैं, बहुत ही माचो लुक निकल के आती है टाटा नेक्सॉन की। यहाँ पे अगर हम ड्राइवर साइड डोर की बात करें तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी अवेलेबल करवाए गए हैं। यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको रूफ रेल्स प्रोवाइड की गई है जो कि ब्लैक और हल्के से आपको ग्रे स्टोन में प्रोवाइड की गई है, जो कि बहुत ही ऐसी स्पोर्टी लुक देती है नेक्सॉन को। और नेक्सॉन को ग्लोबल एनकैप में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली वाली, तो आपको सेफ्टी की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं जब आप नेक्सॉन को बाय करेंगे या फिर आप नेक्सॉन के ओनर बनेंगे जब। ये है ड्राइवर साइड डोर के लुक, पूरा ब्लैक डोर, पूरी ब्लैक थीम यूज़ की गई है रेड डार्क एडिशन में भी, और डार्क एडिशन में भी आपको सेम ही मिलती है। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है जब आप रात को दरवाज़ा खोलेंगे तो सेफ्टी कंसर्न के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पियानो फिनिश में इनसाइड डोर ओपनर भी मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको 4 पावर विंडोज विद चाइल्ड लॉक मिल जाती है। यहाँ पे आपको लेदराइट फिनिश दी गई विद ट्राई एरो मोटिव के साथ, बहुत ही अच्छी क्वालिटी यूज़ की गई है टाटा मोटर्स के द्वारा। यहाँ पे आपको डोर ओपनर जो है वो आपको यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश में मिल जाता है, आप देख सकते हैं। और इसकी भी क्वालिटी, लॉक्स की वगैरह क्वालिटी भी बहुत अच्छी यूज़ की गई बटन्स की। ये आपको वॉल्यूम एडजस्ट करने का नॉब मिल जाता है विद फोल्डिंग के साथ। यहाँ पे आपको डोर पे 1 ट्विटर और 1 स्पीकर का सेटअप मिल जाता है। सीट को हम थोड़ा पीछे कर लेते हैं स्पेस के लिए।
आप यहाँ से देख सकती है इंटीरियर की लुक, बहुत ही क्लासी इंटीरियर दिखता है टाटा नेक्सॉन रेड डार्क एडिशन का। चलिए अभी अंदर चलते हैं, अंदर मैं आपको सारे फीचर्स एक्सप्लेन करता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मैं एक बार आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफ करके ऑन करके दिखाता हूँ वापस, कि एनिमेशन कितना मस्त बन के आता है इसका। ये देख सकते हैं आप पूरा टैकोमीटर, फ्यूल गेज वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे TPMS भी आपको टाटा मोटर्स के द्वारा अवेलेबल करवाया गया है। अगर आपको स्टार्ट करनी हो गाड़ी तो आपको क्लच दबा के पुश स्टार्ट बटन दबाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको TPMS, डिस्टेंस टू MT, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ऐसे आपको सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल करवाई जाती है। रेंज भी दिखाती है जब आपके आप फ्यूल फिलअप कर लेंगे तब। यहाँ पे आपको स्टेयरिंग पे यहाँ पे ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं इन्फोटेनमेंट से रिलेटेड, और बटन्स की क्वालिटी बहुत अच्छी यूज़ की गई टाटा मोटर्स के द्वारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पियानो ब्लैक फिनिश यूज़ की गई है उसकी साइड में, और यहाँ पे वॉइस कमांड के वगैरह सब के आपको स्विच मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल के स्विच मिल जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया टॉप वेरियंट है तो इसमें सारे फीचर लोडेड है। यहाँ पे भी आपको रेड एक्सेंट मिल जाते हैं, और जो स्टेयरिंग व्हील है वो लेदर रैप मिलता है आपको, जो स्टेयरिंग के लेदर है उसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी यूज़ की गई है। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प का लीवर मिल जाता है, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक वाइपर का लीवर मिल जाता है। पीछे आप देख सकते हैं फुट स्टार्ट बटन भी वहाँ पे प्लेस किया गया है। यहाँ पे आपको एसी वेंट मिल जाता है जिसके सराउंडिंग में हल्के से क्रोम की फिनिश है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 7 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है पावर्ड बाय हार्मन। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे फीचर्स आपको यहाँ पे अवेलेबल करवाए गए। नया फीचर इसमें ऐड हुआ है केबिन एयर क्वालिटी का, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही मतलब प्रैक्टिकल दिल्ली NCR के लोगों के लिए। यहाँ पे आपको पार्क असिस्ट भी मिल जाता है, कैमरा आप देख सकते हैं कैमरे की क्वालिटी, और टच स्क्रीन का रिस्पांस बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप थीम्स में जाके क्लाइमेट, कलर, साउंड, इसमें आपको जैसे थीम चाहिए वैसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको डेट टाइम वगैरह सब सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। ये आपकी होम स्क्रीन आ गई, यहाँ पे आपका हैजार्ड बटन आ गया देख सकते हैं, और बीच में आपको जो एसीवेंट्स मिलती है उसमें भी क्रोम फिनिश, वहाँ पे आपको नेक्सॉन की ब्रांडिंग, और नीचे आपको ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल के स्विचेस मिल जाते हैं विथ पियानो ब्लैक फिनिश के साथ, एक्सप्रेस कूल बटन, उसके बाद इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज, ऐसे सब बटन्स आपको यहाँ पे अवेलेबल करवाए जाते हैं। अगर की बात करें तो की आप देख सकते हैं टाटा ने बहुत ही प्रीमियम की बनाई है नेक्सॉन की, जिसमें आपको लॉक, अनलॉक, बूट ओपनिंग और फॉलो मी हेडलाइट्स के बटन ऑन करने का स्विच मिलता है। यहाँ पे आपको मल्टी ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं सिटी इको स्पोर्ट, यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग का पैड मिल जाता है जिसमें आप अपना फ़ोन फिट कर सकते हैं और चार्जिंग हो सकती है, और वेंटिलेशन के साथ प्रोवाइड किया गया। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट भी प्रोवाइड किया गया, गुड अमाउंट ऑफ स्पेस है, यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है। उसके बाद आप पैसेंजर साइड डोर की लुक देख सकते हैं, ऐसे कुछ पैसेंजर साइड डोर की लुक आती है। और एयरबैग की बात करें तो इस वेरियंट में आपको 2 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड नेक्सॉन में मिलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एयरबैग यहाँ पे मिलता है, एक आपको स्टीयरिंग पे मिलता है। सेफ्टी के बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक IRVM भी मिल जाता है जो कि आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है ड्राइवर साइड का, और यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है पैसेंजर साइड का जिसमें आपको मिरर भी प्रोवाइड करवाया गया है। यहाँ पे आपको LED केबिन लाइट्स भी मिल जाती है, उसी के सामने आपको यहाँ पे स्पीकर भी मिल जाता है जब आप कॉल रिसीव करेंगे तो उसके लिए। ये थी ओवरऑल टाटा नेक्सॉन की लुक। और अगर हम बात करें सीट्स की, तो सीट्स आपको रेड डार्क एडिशन में रेड कलर की प्रोवाइड, जब आप कैमरे में क्वालिटी इतनी समझ में नहीं आती है, जब आप रियल लाइफ में जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगी कि ये क्वालिटी भी अलग है और ये जो कलर है ये ऑड भी नहीं लगता है। और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ भी मिल जाती है। और अगर हम ग्लोव बॉक्स की बात करें तो ग्लोव बॉक्स आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ह्यूज साइज का ग्लोव बॉक्स आपको मिल जाता है विथ यहाँ पे आपको कप होल्डर्स, पेन होल्डर, टैबलेट होल्डर, ऐसे आपको सारी फैसिलिटीज़ के साथ यहाँ पे ग्लोव बॉक्स प्रोवाइड किया गया। और ये कूल ग्लोव बॉक्स है, अगर आप यहाँ इसमें कुछ रखेंगे तो वो ठंडा भी रहेगा। जैसे ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे आपको वेंटिलेटेड सीट्स का भी ऑप्शन मिल जाता है ड्राइवर एंड को ड्राइवर को, देख सकते हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं वेंटिलेटेड सीट्स ऑन हो चुकी है, आप देख सकते हैं कैरी बैग में हवा भर रही है। चलिए अभी हम रियर लुक में जाते हैं। आपने गाड़ी की जो थर्ड है डोर्स की वो बहुत ही बेहतरीन है, बिल्ड क्वालिटी मतलब आपको फील हो जाती है कि आप कोई तो भी हेवी गाड़ी में बैठ रहे हैं। यहाँ पे आपको ट्विटर स्पीकर और सेम लेदराइट फिनिश जो आपको ड्राइवर साइड को ऑफर की गई थी वही है। यहाँ पे आपको चाइल्ड लॉक भी मिल जाता है जो कि आप ऑन ऑफ कर सकते हैं।
ये ओवरऑल रियर सीट की लुक आप देख सकते हैं, सेम आपको रेड कलर की सीट्स प्रोवाइड की जाती है रेड डार्क एडिशन में। यहाँ पे आपको रियर में एसी वेंट्स भी प्रोवाइड की जाती है। दोनों इंडिविजुअल आप अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं कंफर्ट के हिसाब से। स्पेस भी गाड़ी में बहुत ही अच्छा दिया गया है सब 4 मीटर के हिसाब से। ये आपकी पैसेंजर साइड डोर की लुक रियर से। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है विथ कप होल्डर्स, बहुत ही अच्छी फिनिश यूज की गई टाटा मोटर्स के द्वारा। यहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस मिल जाते हैं और जो थर्ड सीट बेल्ट है वो आपको लैप बेल्ट मिलता है। ये रियर से फ्रंट डैशबोर्ड की लुक बहुत ही प्रीमियम दिखती है टाटा नेक्सॉन रेड डार्क एडिशन। और अगर हम बूट स्पेस की बात करें तो बूट स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है 350 लीटर्स का, आप देख सकते हैं बहुत ही वेल मैनेज है। यहाँ पे आपको लगेज लैम्प भी मिल जाता है 2 लगेज हुक के साथ। यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है जो है 195/60R16 साइज का। और जब आप बूट गेट भी जब क्लोज करते हो तब आपको वापस से एक बार बिल्ड क्वालिटी का महसूस हो जाती है। रियर में आपको पार्सल ट्रे भी अवेलेबल करवाई गई है। नेक्सॉन में आपको टोटल 8 वेरिएंट्स अवेलेबल करवाए जाते हैं। बेस वेरिएंट को अगर हम छोड़ दें तो हर वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन मिल जाता है डीजल पेट्रोल बोथ के साथ। और आपको जो टॉप वेरिएंट्स है उसी में आपको एडिशंस प्रोवाइड किए जाते हैं, डार्क एडिशन, रेड डार्क एडिशन, जेट एजी एडिशन और काजीरंगा एडिशन। सारे एडिशंस आपको टॉप वेरिएंट में ही अवेलेबल करवाए जाते हैं। और अगर हम ये फेज 2 की गाड़ी है तो इसमें आपको 3 ईयर्स और 1 लाख किलोमीटर्स की वारंटी भी अवेलेबल करवाई जाती है। और टाटा नेक्सॉन रेड डार्क एडिशन के जो प्राइजेस है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिए। और अगर आपको कोई भी टाटा मोटर्स की गाड़ी के बारे में इंक्वायरी करनी हो तो आप मुत्था मोटर जालना में इंक्वायरी कर सकते, उनके भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। अगर आप हमारे चैनल का नाम लेके आते तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर फेवर किया जाएगा। और कोई भी अगर गाड़ी के बारे में इंक्वायरी करनी हो तो आप इनको कॉल कर सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड लाइक चैनल।